रोहिणी जॉन ऑफिस पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं ये सफाई कर्मचारी। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से ये सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज रोहिणी नगर निगम के जॉन ऑफिस पर इकट्ठा हुए ये सब और जॉन की डिप्टी चेयरमैन कनिका जैन की शव यात्रा कई किलोमीटर निकालकर उनके आवास की ओर बढ़ रहे हैं बड़ी संख्या में ये सफाई कर्मचारी। पुलिस बैरिकेटिंग करके मशक्कत के बाद इन्हें रोकने की कोशिश में जुटी है। दरअसल पिछले कई दशकों से सफाई कर्मचारी नगर निगम की नौकरी कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, पर इनको स्थायी नहीं किया गया। साथ ही लंबे वक्त से दिन सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उनके एरियर बाकी है, वे भी नहीं मिल पा रहे हैं। साथ में बार बार इनका वेतन रुक जाता है, जो हड़ताल के बाद ही नहीं मिलता है। इस तरह की कई समस्याओं से परेशान होकर आखिरकार सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज सड़क पर जाम लग गया और कनिका जैन डिप्टी चेयरमैन का पुतला उनके आवास के पास जाकर इन लोगों ने जलाया है। फिलहाल दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं और अभी तक समाधान नजर नहीं आ रहा। दुष्यंत सेन। मुकेश बैसवाल है, अध्यक्ष रोहिणी जोन। हमारे पांच साथी 20 मार्च से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज उनको 16 दिन हो चुके हैं, अब तक सरकार कोई सुनाई नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं माने जाएगी, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांग डिमांड है 2017 तक के पक्के करो, 3/4 के जितने सफाई कर्मचारी पक्के हुए हैं उनके एक किस्त में सब एरियर दिया जाए। जब तक हमारी मांग नहीं होगी, जब तक हम ऐसे लगे रहेंगे, ऐसे कूड़ा फैलाते रहेंगे, पूरी दिल्ली में जाम लगा देंगे। कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं मिलने आता, कोई सरकार नहीं सुन रही। पीछे हमने कि यहाँ प्रोग्राम किया था, भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी आए थे, उन्होंने झूठा वादा किया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की महापौर ने भी झूठा वादा किया। कुछ नहीं है, सब झूठे हैं ये सब। यहाँ आदमी बहुत आ जाते हैं, पूरी दिल्ली में है, पूरी दिल्ली में हड़ताल है। जब तक हमारी मांग डिमांड नहीं मानी जाएगी, ऐसे हमारे आदमी भूख हड़ताल पर रहेंगे, ऐसे काम बंद हड़ताल रखेंगे। मैं विजय बादरगर, जिला सेक्रेटरी रोहिणी जोन। 20 तारीख से हमारे सफाई कर्मचारी के नेता भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अभी तक निगम से कोई भी हमारे तरफ कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। कर्मचारी में रोष है। कल सिविक सेंटर पे संसद मार्च पे एक जन सैलाब पहुंचा, हजारों की तादाद में 40,000 सफाई कर्मचारी वहां पे पहुंचा है। अपनी मांगों को लेकर हमारे नेता दो ही मांगों पे अड़े हुए हैं। जब तक सफाई कर्मचारियों को 2017 तक के पक्के नहीं हो जाते और इनका जो एरियर का भुगतान है एक किस्त में नहीं मिल जाता, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं मिटेंगे। आज हम यहाँ पे डिप्टी महापौर, डिप्टी चेयरमैन का पुतला दहन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रीति अग्रवाल का बीजेपी पार्टी बिल्कुल वाल्मीकि समाज के खिलाफ है। हम आने वाले चुनाव में बीजेपी पार्टी का बहिष्कार करेंगे और हमारा वाल्मीकि समाज इस पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। बीजेपी पार्टी जो निगम के अंदर बैठी है, जिन्होंने हमारा शोषण कर रही है, और हमारा कोई भी एक भी कर्मचारी इसको वाल्मीकि समाज वाले समय वोट नहीं दे देगा।